सब्सक्राइब हेल्प डेस्क। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हेल्प डेस्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्प डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इन फॉर्म भरने में हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमें सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, भामाशाह कार्ड और एक आय प्रमाण पत्र जो नोटरी द्वारा वेरिफिकेशन हो। तो वो दोनों डॉक्यूमेंट होने के बाद में हम चलते हैं अपने ई मित्र अकाउंट पे, ई मित्र लॉग इन करते हैं। और ये हम अपने ई मित्र अकाउंट पे लॉगिन है और यहाँ पे हम करते हैं अपने सर्विस पे क्लिक, और सर्विस पे करने के बाद में अवेलेबल सर्विस और यूटिलिटी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च, यहाँ पे हम सर्च में सर्च करेंगे SJE और यहाँ पे सेकंड लिंक आ रहा है पेंशन आवेदन, तो हमें इस पेंशन आवेदन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम सोशल सिक्योरिटी पेंशन की वेबसाइट पे लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे हमें फर्स्ट में एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे साइड में ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें से कियोस्क पे क्लिक करके हमें ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमसे जिसका आवेदन है उसके यहाँ पे भामाशाह आईडी नंबर डालने हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि स्लिप नंबर होते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ओनली ऑन भामाशाह कार्ड नंबर होते हैं जो परिवार संख्या होती है, पहचान संख्या, वही काम करेगी। तो स्लिप से हम ये आवेदन पत्र नहीं भर सकते। तो यहाँ पर भामाशाह कार्ड नंबर डालते ही उस भामाशाह कार्ड में जितने सदस्य हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे हमें जिस सदस्य के लिए आवेदन करना है उसके सामने लिखे एक टिक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे उसके आधार नंबर वगैरह डिटेल्स बता देगा। और यहाँ पे ये भी बता देगा, आपसे पूछा जाएगा कि मतलब विधवा या फिर ओल्ड एज के, ओल्ड एज तो आप उनमें से एक को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सदस्य के लिए यहाँ पे ये आपको डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ओल्ड एज के लिए करूँगा और यहाँ पे उसके आधार नंबर और फोटो शो होगी और पास में ही एक कैप्चर का ऑप्शन होगा, फिंगर कैप्चर का। तो आप अपने मोर्फ या जो भी आपकी डिवाइस है तो आपको उसका फिंगरप्रिंट लेना होगा, और आप जैसे फिंगरप्रिंट लेते हैं तो उसकी डिटेल्स नीचे आ जाएगी। वहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, और जैसे ही आप आय प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका एक टोकन जनरेट होगा। वो कितने का होगा वो आप देख लीजिए। टोकन जनरेट होने के बाद में अप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वृद्ध पेंशन एवं विधवा पेंशन की टिप्स। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड किसी भी प्रकार की समस्या का हल पाने के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। Subscribe, help desk.